आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, एक बात बिफोर, थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतना समय लिया है, आई नो यू ऑल ऑल्सो हैव अदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टू अटेंड टू। ये एक प्रोपेगेंडा है, एक बहुत मलिशियस प्रोपेगेंडा है कि हम लोग कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ हैं। सबसे पहले लेट मी अश्योर एंड टेल एवरीवन, वी वांट द डेवलपमेंट ऑफ ऑल कम्युनिटीज इन त्रिपुरा। अगर एडीसी में डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो सच्चाई है, लेकिन ये और एक सच्चाई है कि एडीसी के बाहर भी बहुत लोगों को डेवलपमेंट नहीं मिला है। आज आप 10,323 टीचर्स के बारे में जो हम लोग फाइट करते हैं, तो वो सिर्फ तिपरासा नहीं, उसमें मणिपुरीज हैं, बंगालीज हैं, मुस्लिम्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं। जब हम लोग सुरमा से फाइट करते हैं तो एक हिंदुस्तानी चा बागान वर्कर को हमने जब सीट दिया, वो तिपरासा नहीं है। हम मणिपुरी बिष्णुप्रिया से बात कर रहे हैं, मैतेई से बात कर रहे हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ में बहुत बंगाली लीडर्स हैं जिनको डिनाई किया गया है, बहुत फेक ऐसी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो हाँ, एक बात है कि मैं आपको डिनाई नहीं करूँगा कि इससे पहले रीजनल पार्टीज थे जिन्होंने एक बहुत हार्ड लाइन अप्रोच लिया था, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आई एम फ्रॉम अ फैमिली विच इज गिवन पेट्रनेज टू द ग्रेट नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस। हमने कंचन प्रभा देवी ने शरणार्थियों को हेल्प किया, मेरे फादर ने हेल्प किया 71 यूथ में, यहाँ में पैलेस के सामने हमने हेल्प किया। तो हम लोगों का फैमिली कभी, हमने कभी भी कम्युनल आउटलुक नहीं दिया, लेकिन आज दरकार है कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार अपने तिपरासा के बारे में बात करें। लेकिन मैं इसका भी, मैं आई एम ऑल्सो अवेयर दैट देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन आउटसाइड एडीसी एरिया। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम, जब बिजली नहीं आता है तो सबको अफेक्ट करता है। रोड अगर हमारे वहाँ में नहीं है तो अगरतला में, अगरतला के बाहर भी कोई खास अच्छा रोड नहीं है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम, अगर हमने कहा है कि कॉकोरॉक शुड बी स्पोकन, क्योंकि हम चाहते हैं इट इज नॉट फॉर रिलीजियस पर्पज, इट इज फॉर एजुकेशनल पर्पज। अगर आज हमारा बच्चा इंग्लिश और हिंदी सीखेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में अच्छा मिलेगा। तो इसी के लिए हमने ये डिमांड्स उठाया है हमेशा। हमारा आज मुस्लिम को टारगेट करके हिंदू का पेट नहीं भर रहा है, आज क्रिश्चियन को टारगेट करके बुद्धिस्ट का पेट नहीं भर रहा है। तो आने वाले दिन में क्या हम त्रिपुरा को क्या देखना चाहते हैं? वी वॉन्ट डेवलपमेंट फॉर ऑल। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए, अगर रास्ता अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में इतने लोग, आज से दो दिन पहले हमारे चिन्मय कोलोय अम्बासा के ब्लॉक प्रेसिडेंट का डेथ हुआ, जॉन्डिस, मलेरिया, उसके बाद हेपेटाइटिस। ठीक जब तक जीबी हॉस्पिटल तक वो पहुंचा, 4-5 घंटे में उनका देहांत हो गया। जब इतने, मतलब कि हेल्थ केयर सिस्टम इतना खराब है स्टेट में, तो इसका सजेशन में डेवलपमेंट तो होना चाहिए। आज पॉलिटिकल पार्टी, आज त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर का बात, लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? बाहर से लोग आके इन्वेस्ट क्यों करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर इज प्राइमरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये सब इश्यूज है, इसके बारे भी वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, बाइबल है, उपनिषद है, वेदास है, कुरान है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हमारा फैमिली का एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए, वी आर नॉट लाइक दैट, वी आर पीपल हु अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द हिंदू बंगाली इन ईस्ट पाकिस्तान, एंड वी फील दैट जस्टिस शुड बी गिवन टू देम, एंड वी वॉन्ट जस्टिस टू बी गिवन, बट We also deserve some justice. We also deserve some right. And मैंने फिर से, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, इसके लिए मैंने कहा कि negotiation या बात हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए, because ये problem create किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका constitutional solution देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ बोलेंगे कि ये लोकल प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व करो, ये कभी सॉल्व नहीं होगा।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी बनता है हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन अपने बलबूते में फाइट करेंगे। धनंजय हैज ज्वाइंड अ पार्टी, वी वेलकम हिम। दूसरे पार्टी से भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक बात क्लियर होना चाहिए, आप टिकट के लिए आएंगे तो ये नेगोशिएशन नहीं होगा। अगर आप दफा के लिए आएंगे तो हाँ, हम बात करके बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। एंड आई अपील टू द मीडिया वंस अगेन, प्लीज, ये पूजा भी खत्म हुआ है, आने वाले दिन में आज कल तक मालूम होगा कि विलेज काउंसिल इलेक्शन का डेट क्या है। प्लीज आई अपील कि त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए शांति से बैठ के होना चाहिए। त्रिपुरा में अगर वायलेंस हुआ तो रियल इशू को कोई बात नहीं करेगा, डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। एंड लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा होना चाहिए। तो मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि प्लीज इसको भी आप सामने रखें। एंड जो 5-10 लोगों का एक पूरा षड्यंत्र है कि इसको त्रिपुरा साहब बंगाली बनाए, ये घिसा पिटा हुआ पॉलिटिक्स ने त्रिपुरा को बर्बाद किया है। आज त्रिपुरा साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए और बंगाली को भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए। मुझे लगता है दोनों को ये मिल सकता है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये मिल सकता है। बस पहला ही नाम भाई, धन्यवाद, थैंक यू। एनी क्वेश्चन, अगर किसी को एक कोई क्वेश्चन है तो मैं पूछूं। भारत आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट इंडिया एंड दे हैव टू प्रोवाइड अ स्पेशल सॉल्यूशन, इज देयर ड्यूटी और एल्स वी शल फाइट द इलेक्शंस ऑन आवर माइट। इफ देयर इज अ सॉल्यूशन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट हैज टू बी इन राइटिंग। सर धनंजय सेड, हाई पावर कमिटी बना था 2018 में, आज फिर से अगर आई एंड अप गोइंग टू दिल्ली डूइंग दिस और कोई हाई पावर कमिटी बन जाता है और उसमें कुछ लिखा नहीं गया है तो फिर से धोखा होगा। हमें जो भी चाहिए राइटिंग में चाहिए, एक क्लियर, देखिए आदमी लोगों को अब विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया। एंड मैं जुमला में विश्वास नहीं करता, अगर आपको कुछ देना है तो वर्बली नहीं होगा, राइटिंग में होगा, और ये राइटिंग में पब्लिक के नॉलेज में होना चाहिए, मीडिया के नॉलेज में होना चाहिए, वरना ये जैसे 2018 में हुआ ये 2023 में हम रिपीट नहीं करेंगे। दैट्स वेरी क्लियर। एक हाई पावर कमिटी ऑलरेडी बना है, कमिटी से नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री इज द ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इनवाइट एंड डिस्कस अबाउट आर डिमांड इन राइटिंग फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट अस, लेट्स टॉक एज रिस्पेक्टेबल पीपल, वी आर नॉट अंडरग्राउंड ग्रुप, वी आर नॉट ISI बैक्ड पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात किया है, हम तो हिजबुल मुजाहिदीन नहीं है, वी आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। आई हैव ऑल्सो सेड दैट सिर्फ मुझसे बात करने से नहीं होगा, यहाँ में काउंसिल ऑफ त्रिपुरा सा हौदाज है, समाजपति है, हौदा जमातिया है, क्षत्रिय समाज है, चुबलाई बुथू है, कासकाओ है, हमारा कलोई समाज है, उनको भी आप बुलाइए, उनको भी स्टेक होल्डर्स बनाइए, सिविल सोसाइटी को भी स्टेक होल्डर्स बनाइए, और आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात मत कीजिए, पूरा समाज से बात कीजिए। जैसे नागालैंड में नागा हो से बात हो रहा है, ये मैंने मेंशन नहीं किया था, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सबको इन्वाइट कीजिए एक डायलॉग के लिए, और ये डायलॉग को सिर्फ इलेक्शन के नजरिए से मत देखिए, एक फाइनल सोल्यूशन, वी वॉन्ट अ फाइनल सोल्यूशन, और सोल्यूशन कभी नहीं होगा अगर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात करें। कम्युनिटीज को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमारे रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व कीजिए, हमारे हदास को, ओकरास को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमें भी इन्वॉल्व कीजिए, और हम लोग सब बैठकर बात करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अगर ये नहीं होगा, अगर आप डिवाइड एंड रूल करेंगे तो आई एम सॉरी, आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई रिस्पेक्ट एवरी वन, आई रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आई रिस्पेक्ट राहुल गांधी जी, आई रिस्पेक्ट सीताराम येचुरी जी, बट आई लव माई पीपल एंड आई कैनॉट मिसलीड और बिट्रे देम बाय कॉम्प्रोमाइजिंग
and not assuring them for what we started. I think it is very clear, it's a sincere demand. I don't know how long will we be able to continue this. I am not well, but till the time I am around, I'm not in a mood to cheat my people. मुझे अच्छा नाम चाहिए, मुझे अच्छा पैसा नहीं चाहिए, मुझे अच्छा कुछ सोल्यूशन चाहिए. एंड आई वॉन्ट द पिपरासा पीपल, द बंगाली पीपल, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द बुद्धिस्ट, द क्रिश्चियंस टू लिव पीसफुली बट डिग्निफाइड एंड विद आवर राइट्स. दैट्स ऑल. थैंक यू. नहीं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नागरिक को झूठ बोलेगी राइटिंग के बाद, तो देखिए राइटिंग के बाद तो गवर्नमेंट ऑफ पीपरा में जो इलेक्शन के समय में हाई पावर्ड कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है. जब मैंने होम मिनिस्ट्री का बात किया, अगर होम मिनिस्ट्री ये अश्योरेंस देता है देन दे कैन नॉट बैक डाउन. और टाइम फ्रेम के अंदर भी होना चाहिए, सिर्फ कि हम दे देंगे और उसके बाद चलते रहा, टाइम फ्रेम होना चाहिए. जब ये नेगोशिएशन होता देन मेनी चीज निकलता है. हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि हम लोग जुमला में फंस जाएंगे. आई थिंक जो 2018 में हुआ वो धोखा था, क्योंकि वो ठीक लाइन से नहीं गया. हम लोग वैसे ट्रैक में